स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, रेलवे की तरफ से एक बेड अपडेट आ गई, जिसका डर था वही हुआ। तो फ्रेंड अब एक्चुअली में क्या होगा कि अब सीनियर सिटीजन में मिलने वाली छूट रेलवे ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। जी हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुने। जो कि दोस्तों पहले ही मैं आपको बता रहा था, रेलवे धीरे धीरे लत पड़ा रही, मतलब एक आदत पड़ा रही कि जो उसकी प्राइस है, जो ट्रेन टिकट की प्राइस है, उसका आप धीरे धीरे पूरा पैसा दीजिए, उसके बाद एक झटके हम आएंगे, उसके बाद बोल देंगे सीनियर सिटीजन में अब हमें छूट नहीं देना है। उसके लिए दोस्तों रेलवे ने बताया कि हमें बहुत लॉस हो रहा है अगर हम सीनियर सिटीजन को छूट दे रहे हैं। तो अब 2020 के पहले दोस्तों सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी, लेडीज़ को 50% छूट मिलती थी एज अगर 45 या 45 से प्लस है, और जो जेंट्स है उनको दोस्तों 60 प्लस है तो उनको 40% छूट यहाँ पे रेलवे देती थी। अब दोस्तों रेलवे बोल रही है कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है अगर हम सीनियर सिटीजन को छूट दे रहे हैं तो। और दोस्तों इन दिनों में रेलवे ने आंकड़ा बताया कि 2 साल में जब से हमने सीनियर सिटीजन की छूट बंद की है तब से हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है, और अभी हम इसमें कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं कि हमें सीनियर सिटीजन में छूट देना चाहिए। तो फ्रेंड जैसे मैं आपको पहले बता दिया था, रेलवे की जो जो सर्विस बंद थी रेलवे ने मोस्टली सभी सर्विस चालू कर दी थी, लेकिन सीनियर सिटीजन में मिलने वाली छूट वो नहीं चालू की थी। और मैं आपको बता भी रहा था कि हो सकता है रेलवे इस छूट हमेशा के लिए बंद कर दे। तो फ्रेंड ऐसा ही हुआ, वो छूट अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। मतलब अब आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या फिर अगर आप रेलवे के एजेंट हैं तो सीनियर सिटीजन में दोस्तों अब रेलवे छूट कभी नहीं देगी। जी हाँ फ्रेंड, ये रेलवे की तरफ से दोस्तों बोला गया है, और इसका दोस्तों बहुत विरोध भी हो रहा है। लोग बोल रहे नेताओं को आप छूट दे रहे हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं। नेताओं दोस्तों जो नेता विधायक होते हैं उनका पूरा खर्चा रेलवे उठाती है, 1 रुपये उनको नहीं देना रहता है, फर्स्ट सेकेंड क्लास में सफ़र करवाती है। यहाँ तक कि बुजुर्गों से दोस्तों 50% लिया जा रहा था, फिर भी रेलवे को नहीं पोसा रहा है, लॉस हो रहा है। रेलवे ने दोस्तों बोला उनके लिए हम अलग से सीटें काट के रखेंगे, उनके लिए लोअर की सीटें हम देंगे, बाकी टिकट की प्राइस में हम कोई छूट नहीं देने वाले हैं। और रेलवे ने दोस्तों एक लिस्ट तैयार की और एक लिस्ट बताया, और वो लिस्ट दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पूरा प्रोसेस है। रेल मंत्री ने इसके लिए लंबा चौड़ा हिसाब बताया कि रियायत रेलवे को हर साल कितना नुकसान हो रहा है। 2021-22 में छूट बुजुर्गों को न देने से 3400 करोड़ का फायदा हुआ है रेलवे को, 3400 करोड़ का। ठीक है, रेलवे को कोई नुकसान सहने के लिए तो चलाई नहीं जाती है, ये भी बोला गया है दोस्तों। तो फ्रेंड इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आने वाले कल में और किसी भी टाइम अब रेल जो सीनियर सिटीजन है उनको छूट नहीं मिलने वाली है, हमेशा के लिए दोस्तों ये छूट बंद कर दी गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।